नेशनल हाईवे नंबर 48 पर बड़ी घटना बनी है। ये सुबह 4 बजे के करीब की घटना है। वापी के बलिठा हाईवे पर राजस्थानी से मुंबई की ओर जा रही थी लग्जरी बस और डिवाइडर से टकराई और हुई पलटी। आप तस्वीर में देख रहे सिर्फ जनता आवाज़ भारत पर कि राजस्थान से मुंबई की ओर जा रही थी ये लग्जरी बस और पलटी हुई है। भीड़ उमड़ी नज़र आ रही है और इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, इस प्रकार की खबर है, और 8 लोग जो है इंजर्ड बताए गए हैं। लेकिन इस प्रकार की घटना बनने से आसपास के इलाके से जो है पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी, फायर की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी, वापी टाउन, वापी GIDC दोनों जगह से, और इसके चलते जो है ट्रैफिक की समस्या भी सामने आई थी। इस घटना में जो है एक महिला के साथ एक की मौत हो गई है, 2 लोगों की मौत हो गई है, इस प्रकार की बात है सामने आई, और 8 लोगों को जो है अस्पताल में भर्ती कर किया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 48 की घटना है ये राजस्थान से मुंबई की ओर जा रही थी ये लग्जरी। जो लग्जरी चलाने वाला जो ड्राइवर था उसको जो कुछ नींद जैसा आया था, इस प्रकार की बात सामने आई, और उसके चलते जो है ये डिवाइडर पे टकराई है और ये लग्जरी बस जो है वो पलटी हुई है। 2 लोगों की मौत हो गई है, इसमें 8 लोग इंजर्ड हुए हैं। 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था और इसके चलते जो है जो लग्जरी बस पलटी हुई थी उसके चलते जो है ट्रैफिक की समस्या हुई थी, और वापी टाउन की पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी, और वापी टाउन और वापी GIDC की फायर की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी। आप तस्वीर देख रहे हैं सिर्फ जनता आवाज़ भारत पर। ये सुबह की घटना है 4 बजे के करीब की, जहां पर लग्जरी बस पलटी हुई और 2 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज़ भारत।